अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज सुमेरा, वेलकम टू कुकनोलॉजी। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और आला रेसिपी लाई हूँ। आज मैं बनाऊंगी नमकीन मटन रोश। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने को और बार बार खाने को दिल करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये बकरे की रान का गोश्त है, 1.5 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने इसको इस तरीके से मीडियम साइज़ का कटवाया है। नमकीन रोश के लिए ये बेस्ट है। 1.5 चाय का चम्मच नमक, जो इस तरीके से मैं इसके ऊपर लगा दूंगी अच्छे तरीके से, और 10 मिनट के लिए इसको साइड पर रख दूंगी। एक मोटे पैंदे वाले पैन में मैं इस तरीके से गोश्त की लेयर लगा दूंगी। मिट्टी की हांडी है अगर आपके पास तो वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं है तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। दो मीडियम साइज़ की प्याज को छील के बीच में से काट के दो हिस्सों में इस तरीके से ऐड कर दिए। इसी तरीके से 2 मीडियम टमाटर ऐड कर दिए। थोड़ा सा अदरक भी मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया है। एक पूरा लहसुन आप इस तरीके से भी धो के इसको साबुत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने छील के डाला है इसमें। अब मैं 3 अदद सब्ज मिर्चें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबत और 1 ही चाय का चम्मच क्रश की हुई काली मिर्च। ऊपर से ऐड करूंगी मैं 3 खाने के चम्मच देसी घी और 1/4 कप पानी। अब मैं कवर करके 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करूंगी। कवर पे मैंने वेट रख दिया है ताकि स्टीम बाहर ना आए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पे 2.5 घंटे कुक करूँगी। 2.5 घंटे हो चुके हैं, अब मैं इसको ओपन करती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू है। चेक कर लेती हूँ कि गोश्त अच्छे से गल गया है या नहीं। इट्स परफेक्ट। देखें, यखनी भी इसकी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही यम्मी, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।